ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 17 जुलाई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। प्रैक्टिस कौन सी करनी है हमें? आत्मा समझकर आत्मा से बात करने की। इस अवस्था को जमाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाबा के साथ ऊपर ऊपर माना परम धाम में कब जाएंगे? उत्तर है, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक मात्र में भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुन कर जब फूल हो जाएंगे, बाबा को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वो शांत हो जाएंगे, वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाएगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। प्यारे बाबा, जब हम बच्चों को अपना ज्ञान सब कुछ दे देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, तो उनका पार्ट साइलेंस का हो जाता है। ओम शांति। शिव भगवान वाज, जब शिव भगवान वाज कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान वा परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रास्ता बाप से, ये तो जरूर है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे, सब एक रस याद नहीं करेंगे, ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। कौन सी प्रैक्टिस करने में टाइम है? टाइम लगता है खुद को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा देखने में। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण ही सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे कोई भी याद कर नहीं सकते हैं। कोई भी आत्मा का योग बाबा के साथ है नहीं। ये बातें बहुत गुई और महीन है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। कहते भी है हम भाई भाई है, और आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को कभी भी नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत है जो बाबा को कभी भी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। यह आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वह अपने पास रख कर के क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है, और बाबा दे भी रहे हैं कितने सालों से, 88। देखो, बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती ज्ञान उठाते हैं वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो, जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाबा याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं, ये तो जानते हैं। सारा दिन याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं। यहाँ तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते, और बच्चे तो सन्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सन्मुख हो, कहाँ? मधुबन में। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाबा को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वो शांत हो जाएंगे, बाबा भी शांत हो जाएंगे, माना उनका पार्ट समाप्त हो जाएगा, और हम बच्चों को कंप्लीट बना करके नई दुनिया में भेज देंगे बाबा।
और खुद परमधाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाएंगी। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया फिर उनका पार्ट है ही साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े टपकेगा, ये भी बाबा ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे। अभी देख रहे हैं ना, इंडिया का जितना भी टैलेंट है, छोटे छोटे बच्चे देखो कितने सुंदर गीत गाते हैं, डांस करते हैं, वाद्य या कोई इंस्ट्रूमेंट है बजाते रहते हैं, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते, ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार, फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पढ़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ, वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वो कोई ज्ञान का ज्ञान सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना, सिर्फ मुख द्वारा ही वो मुख्य काम करते हैं, आते ही है सबको रास्ता बताने, बाकी सुन करके क्या करेंगे। वह सदैव सुनाते ही रहते बच्चा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, सारे झाड़ का भी राज सुनाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में है नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या करते हैं, वहाँ तो दुनिया भी छोटी है और लाइट भी वहाँ भी लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो इतने बड़े बड़े गांव है, वहाँ इतने बड़े गांव नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। पांच तत्व भी वहाँ सत्व प्रधान बन जाते हैं, कभी भी चंचलता नहीं करते हैं। सुखधाम कहा जाता है ना, उनका नाम है हेविन। क्या नाम है उसका? हेविन, स्वर्ग। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते जाएंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे, बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे, फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वो तो कहते हैं बस हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, इतनी ताकत है, फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे, कोई फायदा ही नहीं होगा ना, एडवांस टेक्नोलॉजी अभी है। फिर ये चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने में भी नहीं जाएंगे, यहाँ पर कम पड़ रहा है पृथ्वी पर, इसलिए चंद्रमा पर प्लॉट लेने जा रहे हैं। ये सब फालतू साइंस का घमंड है, कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय डाक माना ईश्वरीय देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वह शांति को जानते नहीं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वो है ही सुखधाम, अभी तो है दुख अशांति, ये भी समझाना है। तुम शांति चाहते हो, कभी भी अशांति हो नहीं सकती, वो है ही शांति धाम और सुखधाम में। शांति तो सुखधाम या अपने स्वर्ग में या परम धाम में होगी, यहाँ तो अशांति ही है। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते हैं, वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को तो याद कर न सके, लॉ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं अशुभ शांति धाम में रहने वाली है, ये भी कोई नहीं जानते, बाबा समझाते हैं कितने तुम बेसमझ थे, कब बेसमझ बने, द्वापर युग से असुर शांति 16 कला से फिर 12 कला 14 कला बनते जाते, माने बेसमझ बनते जाते, बेसमझ कलाएं कम हो गई, माना बेसमझ बन गए, अभी कोई कला नहीं। कॉन्फ्रेंस करते रहते स्त्रियों को दुख क्यों है, टॉपिक क्या है, स्त्रियों को दुख क्यों है, अभी तो ऐसा माहौल है कि स्त्रियों के कारण पुरुषों को दुख हो रहा है, स्त्रियों के तरफ से सारे कानून बने हैं, तो अभी पुरुष बोल रहे हैं कि भाई हमारा अत्याचार हो रहा है, सारा माहौल चेंज है। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे,
दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो न सकती है। बाबा ही शांति स्थापन करेंगे। सुख को तो जानते ही नहीं तुम, बच्चिया बैठ समझाएंगी। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है, लिस्ट निकाली है ना सभी ने दुखों की। जहाँ से हम आत्माएं आई है वह है शांति धाम, और जहाँ यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन। वह तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे, वह है ही निर्विकारी दुनिया। विकार का नाम नहीं, फर्क है ना। पहले पहले तो निर्विकार पना चाहिए ना, इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों काम विकार पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं, शरीर भी बीमार क्यों पड़ता है, आत्मा में खाद है। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा, उनको ही वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है। निर्विकारी दुनिया बर्ड का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र है। इनको कहा जाता है मनुष्य, जो अपवित्र है वो है मनुष्य, और पवित्र होते हैं वो देवता है। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ, 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं, सीढ़ी दिखानी है तब वो प्रधान बनते हैं, तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह न सके क्योंकि पतित है, ड्रामा में यह राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं, कम से कम आधा घंटा दे तो पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर है, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अलग बे आदि थोड़ी याद रहती है, वो भी भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है, अरे पढ़ाई के ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी क्लास जो भी क्लासेस है वो तो भूलते भूलते आगे चले जाते हैं। वही 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 याद रहेगी तो क्या होगा हाल बुद्धि का। तो बाबा भी कहते हैं कि बाप भी हमको नित्य बातें नई नई सुनाते हैं, पहले हल्की पढ़ाई थी अब बाप घुए घुए बातें सुनाते हैं, ज्ञान का सागर है ना। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में दो अक्षर कह देते हैं, कौन से दो अक्षर है, अलब और बे। बस अलग को समझा तो काफी है, अल्प को जानने से बे को भी जान जाएंगे और सृष्टि चक्र को भी जान जाएंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो ठीक है, जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वो ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, पास विद ऑनर हो नहीं सकते, कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है, याद की भी मेहनत है और ज्ञान को जीवन में उतारने की भी क्या है, मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी हो न सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यही है, वही गीता ज्ञान है, वह भी कौन देते हैं, यह तो सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। अभी है कब्रिस्तान, फिर बनेगा परिस्तान, परियों का स्थान। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, भारतवासी हर बात का अक्ल वहां से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर के यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे जो इन्वेंशन निकालते हैं इंजीनियर्स वगैरह। परशुराम बाबा ने कहा था ना, राजा रानी बनते हैं सुख के लिए, वहां तो सब सुख मिल जाने हैं, तो बच्चों को पुरुषार्थ
पूरा करना चाहिए। फुल पास होकर के कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। कई कई बच्चे कहते हैं बाबा कब पूरा होगा, कब चले जाएंगे परमधाम। हाँ बाबा कहते जल्दी जाने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बस भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान का सुख ले लो ना। वही हमारी पालना भी कर रहे हैं, टीचर बन करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, रिझाते हैं, मनोरंजन करते हैं हमारा बाप पढ़ा रहे हैं। यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों की क्रिश्चियन की मिशन होती है, मिशन संस्थाएं कृष्ण और क्रिश्चियन की विरासत मिलती है। उनके लेन देन का भी बहुत ही कनेक्शन है, जो इतनी मदद करते हैं। उनकी भाषा आदि छोड़, यह भी एक इंसल्ट है। उनकी भाषा आदि छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। वो तो आते हैं पीछे, न बहुत दुख न बहुत सुख उठाते हैं फॉरेनर्स। सारे इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं, भले यहाँ कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकते। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं। क्यों अच्छी होती है? ईमानदारी से बनाते हैं। यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं, अथाह दुख है। सबके दुख दूर करने वाला एक बाप, बाप के सिवाय कोई मनुष्य हो नहीं सकता। भले कितने भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है। छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, भाई हो, बहन हो, हर एक दुखी है। सारी दुनिया में झगड़े मारामारी की बात है, पाई पैसे की बात पर भी मारामारी कर देते हैं। वहाँ तो दुख की बात नहीं होती, ये भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आया है ना, तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू हुई, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं। पहले ब्रिटिश थोड़े थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। आए थे बिजनेस करने के लिए और हमारे मालिक बन करके बैठ गए। कितना रात दिन का फर्क है, नया कोई समझ न सके। ये नई नॉलेज है ना, जो फिर प्रायः लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वो गुम हो जाती है। ये है पढ़ाई, एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे, तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर भी क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुके, ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होता जाएगा। फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए बैज भी काफ़ी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत्र है, सार है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते। वह समय आएगा जो यह तुम्हारे बैज सब रेनों पर रखेंगे। देखो मन मना भव इसमें है, मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यह लक्ष्य 84 जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही परमात्मा बाप है। अच्छा मीठे मीठे सीख लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास पक्का करना है। वरदान समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। वैसे खजाने बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय श्रेष्ठ संकल्प शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है। एक का पदम गुणा करने की करके देने के बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, नम्र बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन दो तो पद्मा पदम पति बनेंगे। स्लोगन है मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुणा
ज़्यादा मिलेगी। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भाई बहनों को ओम शांति।